गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स यहाँ पर कर लेते हैं। उससे पहले देखें तो इसराइल जो है न्यूज़ में है, वॉर की वजह से हमास और इसराइल के बीच जो चल रहा है, तो इसीलिए कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं इसराइल के बारे में अच्छे से याद रखिएगा। इसराइल सबसे पहली चीज़, वेस्ट एशिया की एक कंट्री है, लेबनान से नॉर्थ में बॉर्डर शेयर करती है, नॉर्थ ईस्ट में सीरिया से, ईस्ट में जॉर्डन से, साउथ में रेड सी से, साउथ वेस्ट में इजिप्ट से और वेस्ट में मेडिटेरेनियन सी से। अब मैप में एक बार देख लीजिए तो थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो ये है मेडिटेरेनियन सी, उसके बाद है इजिप्ट, ये पूरा एरिया जो है ये इसराइल का, ठीक है। यहाँ जॉर्डन, सीरिया, लेबनान, यहाँ देख रहे हैं यहाँ से रेड सी से बॉर्डर शेयर करता है ये अपना, और यहाँ पर ये कौन सी बॉडी है, ये डेड सी है। और इन सारी कंट्रीज़ के अलावा पैलेस्टीन के साथ भी ये बॉर्डर शेयर करता है, वेस्ट बैंक और गाज़ा। गाज़ा स्ट्रिप वही है जहाँ से अभी, जहाँ पर हमास के टेररिस्ट छुपे हुए हैं और वहीं से अभी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। फिर इसके अलावा हम देखिए कैपिटल कौन सी है इसराइल की, जेरूसलम है, करेंसी शेकेल है, लैंग्वेज यहाँ पर हिब्रू इस्तेमाल होती है। वर्ल्ड फेमस इंटेलिजेंस एजेंसी इसराइल की मोसाद, जो कहीं ना कहीं अभी फेल हुई है थोड़ी सी, इसी वजह से इतनी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना। लेजिस्लेचर को क्या बोलते हैं इसराइल की, नेसेट बोला जाता है, और पीएम है बेंजामिन नेतन्याहू। अब आज के क्वेश्चंस की बात करते हैं। इंटरनेशनल डे फॉर द इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट, इसको सेलिब्रेट किया जाता है 17th अक्टूबर को, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। थीम इसकी क्या है, डिसेंट वर्क एंड सोशल प्रोटेक्शन, पुटिंग डिग्निटी इन प्रैक्टिस फॉर ऑल। 17 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं, एम है इसका टू प्रमोट अंडरस्टैंडिंग एंड डायलॉग बिटवीन पीपल लिविंग इन पॉवर्टी एंड द वाइडर सोसाइटी। Who has been appointed as the next permanent representative of India to the UN and other international organizations in Geneva? तो देखिए अगर UN में permanent representative की बात करें वो तो है रुचिरा कम्बोज, लेकिन UN और जितने भी international organization Geneva में मौजूद हैं उन सभी के लिए भारत का next permanent representative बनाया गया है अरिंदम बागची को। ऑप्शन ए जो है ये यहाँ पर करेक्ट होगा, और इंद्रामणि पांडे इनको सक्सीड करके ये अब आए हैं, ठीक है। यहाँ पर इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स कुछ देख लेते हैं। तो 78th UNGA प्रेसिडेंट डेनिस फ्रांसिस हैं, त्रिनिदाद और टोबैगो से बिलोंग करते हैं। WMO के प्रेसिडेंट डॉक्टर अब्दुल्ला अलमंदोस, ये UAE से हैं। सेलेस्टे सोलो अर्जेंटीना की हैं, ये पहली फीमेल सेक्रेटरी जनरल हैं WMO की। लिंडा ये सैरिनो, ये ट्विटर की CEO। उसके बाद नील मोहन, यूट्यूब के CEO। हमारे जो कैग हैं GC मुर्मू, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको WHO में एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में इलेक्ट किया गया है 4 साल के लिए, मतलब वापस से रियल इलेक्ट कर दिया गया है नेक्स्ट 4 ईयर्स के लिए, अगेन पहले भी थी। फिर इन्हीं को ILO का भी एक्सटर्नल ऑडिटर बनाया गया है। अरुण सुब्रमण्यम पहले इंडियन अमेरिकन जज हैं न्यूयॉर्क कोर्ट में। AC चरानिया न्यू चीफ टेक्नोलॉजिस्ट हैं नासा के। कैथरीन रसेल अमेरिका की, ये यूनिसेफ की हेड हैं। विश्वनाथन आनंद वर्ल्ड चेस फेडरेशन, जिसे फिडे भी बोलते हैं, इसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। और उर्जित पटेल एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के वाइस प्रेसिडेंट हैं। इंडियाज़ फर्स्ट तिलापिया परवो वायरस इज़ रिपोर्टेड इन विच स्टेट, तो ये जो वायरस है इसको रिपोर्ट किया गया तमिलनाडु में। दुनिया भर में सिर्फ 3 देश ही ऐसे हैं जहां पर ये वायरस अभी तक पाया गया है, और 3rd कंट्री भारत है। पहली बार ये वायरस चाइना में डिटेक्ट किया गया था 2019 में, और फिर थाईलैंड में 2021 में। अब भारत बना है 3rd कंट्री जिसमें ये वायरस देखने को मिला है। ये एक स्मॉल नन एनवलप्ड एंड सिंगल स्ट्रैंडेड DNA वायरस है, और ये मेनली अफेक्ट करता है गिल्स को, हार्ट, ब्रेन, लिवर, पैनक्रियाज, स्प्लीन, इंटेस्टाइन, किडनीज, आइज एंड मसल्स ऑफ तिलापिया, मतलब लगभग पूरी बॉडी को ये अफेक्ट करने का काम करता है। और पहला केस भारत में देखने को मिला तमिलनाडु में, ठीक है। भारत 3rd कंट्री है जिसमें ये रिपोर्ट किया गया है। विच टीम इज इन द टॉप स्पॉट इन बोथ वुमेन एंड मेन कैटेगरी, तो इसमें हॉकी मध्य प्रदेश टॉप पर है, ऑप्शन बी करेक्ट है। फर्स्ट हॉकी इंडिया सब जूनियर मेन एंड वुमेन वेस्ट जोन चैंपियनशिप देखने को मिले छत्तीसगढ़ में। इसमें हॉकी MP ये सब जूनियर वुमेन्स कैटेगरी में टॉप पर है, मेन कैटेगरी में भी टॉप पर है, रनर अप इसमें है छत्तीसगढ़ हॉकी, और 3rd नंबर पर हॉकी महाराष्ट्र है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड अ स्पेशल क्लीनलीनेस कैंपेन, स्वच्छ त्यौहार स्वस्थ त्यौहार, इस कैंपेन को लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश ने, क्लीन फेस्टिवल हेल्दी फेस्टिवल। इसका एम है टू प्रमोट द आइडिया दैट क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस एंड कॉल्स फॉर एक्टिव पार्टिसिपेशन फ्रॉम म्यूनिसिपल बॉडीज एंड सिटीजन्स।
अब यहाँ पर एनवायरनमेंट रिलेटेड कुछ चीज़ें देख लेते हैं। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब होता है? 5 जून को होता है। थीम इस बार की है बीट प्लास्टिक पोल्यूशन। अमृत वृक्ष आंदोलन असम ने शुरू किया। मो जंगल जमी योजना उड़ीसा की है। नमो शेतकरी महासम्मान योजना महाराष्ट्र की है। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना छत्तीसगढ़ की है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर ने लॉन्च किया है AI चैटबॉट फॉर PM किसान स्कीम। इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया है कि तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, MP और UP यहाँ पर 7 PM मित्रा पार्क्स को एस्टेब्लिश किया जाएगा। स्वच्छ सर्वेक्षण कंडक्ट किया गया किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा, 2016 से किया जा रहा है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में जो हुआ, ये 8th एनुअल एडिशन है इसका, मतलब 8 बार सर्वेक्षण ये हो चुका है। थीम इसकी 2023 के लिए वेस्ट टू वेल्थ फॉर गार्बेज फ्री सिटीज रखी गई। क्लीनेस्ट स्टेट्स इसमें कौन से रहे? तो मध्य प्रदेश इस पे टॉप पर रहा है। क्लीनेस्ट सिटी में इंदौर टॉप पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु कंडक्टेड द ग्लोबल सर्वे ऑन पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज? ये ग्लोबल सर्वे UNDRR के द्वारा कंडक्ट किया गया। ऑप्शन बी करेक्ट है। ये है क्या? UNDRR, UN ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। ये रिपोर्ट जो है इंटरनेशनल डे ऑफ फॉर DRR जो 13th अक्टूबर को हुआ, उस दिन इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया। थीम है इसकी फाइटिंग इनइक्वालिटी फॉर अ रिजिलिएंट फ्यूचर, और सेंडाई फ्रेमवर्क से कनेक्ट करके थीम इसकी रखी गई है। सेंडाई फ्रेमवर्क डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए 2015 से 2030 तक का एक एजेंडा टाइप है, फ्रेमवर्क है कि किस तरह से काम करना है इस एरिया में। यहाँ देख लेते हैं किसके द्वारा कौन सा इंडेक्स रिलीज किया जाता है। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट के द्वारा, IMD के द्वारा रिलीज किया जाता है। एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम रिलीज करता है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट VWEF, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स WIPO, करप्शन परसेप्शन इंडेक्स ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स जर्मन वॉच, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रॉस्पेक्ट्स रिपोर्ट्स और ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स, ये सारे वर्ल्ड बैंक जारी करता है। ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF जारी करता है। ग्लोबल पीस इंडेक्स और ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स, ये इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस ऑस्ट्रेलिया जारी करता है। और ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, INSEAD और WIPO के द्वारा जारी किया जाता है। विच स्पेस एजेंसी लॉन्च्ड अ स्पेसक्राफ्ट नेम्ड साइकी? तो ये स्पेसक्राफ्ट नासा के द्वारा लॉन्च किया गया है। 6 साल के मिशन के लिए इसको भेजा गया है टू स्टडी अ यूनिक मेटल रिच एस्टेरॉयड जिसका नाम है साइकी। ये जो एस्टेरॉयड है मार्स और जुपिटर के बीच में सन का ऑर्बिट करता है, तो ये जो साइकी मिशन है इसी के लिए भेजा जा रहा है। और इसका मेन गोल है टू एक्सप्लोर द आयरन कोर, अ प्रीवियसली अनएक्सप्लोर्ड एस्पेक्ट ऑफ प्लैनेट फॉर्मेशन। इसमें थोड़े से स्पेस करंट अफेयर्स यहाँ पर देख लेते हैं। लूना 25 मिशन किसका है? रशिया का। इसरो का गगनयान 2024 में लॉन्च होगा। चंद्रयान 3 को 14 जुलाई 2023 में लॉन्च किया गया। यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। निसार एक अर्थ ऑब्जर्विंग सैटेलाइट है नासा और इसरो की। 2024 में इसको लॉन्च किया जाएगा। डार्ट मिशन डबल एस्टेरॉयड रीडायरेक्शन टेस्ट नासा का है। आर्टेमिस 2 मून मिशन नासा का है। नासा के द्वारा इसराइल का पहला स्पेस टेलीस्कोप मिशन जिसका नाम है अल्ट्रासेट, इसको लॉन्च किया गया। जोंगजिंग 26 कम्युनिकेशन सैटेलाइट चाइना की, और शियान 19 सैटेलाइट भी चाइना की है। हु विल कन्फर नेशनल फिल्म अवार्ड? तो नेशनल फिल्म अवार्ड्स ये कौन प्रदान करेगा, कौन कन्फर करेगा? तो हमारी प्रेजिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा दिए जाएंगे 69th फिल्म नेशनल फिल्म अवार्ड्स नई दिल्ली में। हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये सेपरेट एक वीडियो पर, यहाँ पर देख लीजिए। बेस्ट हिंदी फिल्म इसमें सरदार उधम है। बेस्ट फीचर फिल्म रॉकेटरी। बेस्ट नॉन फीचर फिल्म एक था गांव। बेस्ट एक्टर अल्लू अर्जुन। बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट और कृति सेनन। बेस्ट डायरेक्टर निखिल महाजन फॉर द फिल्म गोदावरी। बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर श्रेया घोषाल। बेस्ट फिल्म ऑन सोशल इशूज़ मिठू दी और 3-2-1। बेस्ट इन्वायरमेंटल फिल्म मुन्नम वलावो। इंडिया UK 2+2 डिफेंस डायलॉग हेल्ड इन विच सिटी? तो ये हुआ दिल्ली में। अब ये 2+2 डायलॉग क्या होता है, जिसमें दो मिनिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं डायलॉग में। ये दो मिनिस्ट्रीज हैं, एक तो है डिफेंस मिनिस्ट्री और दूसरी होती है हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री। ये दोनों मिनिस्ट्री के मिनिस्टर्स जो होते हैं वो मिलकर दोनों कंट्रीज के वो बातचीत करते हैं, तो दो मिनिस्ट्रीज शामिल होती है, इसलिए इसको कहते हैं 2+2। ठीक है, इंडिया और यूके के बीच में इस पर बातचीत हुई दिल्ली में। प्रमिला मलिक हैज बीन अपॉइंटेड द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ विच स्टेट? तो आंसर होगा इसका ओडिशा।
पहली वेमेन असेंबली स्पीकर हैं ये उड़ीसा की, 6 बार MLA भी रह चुकी हैं ये। अब लास्ट में एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, व्हाट इज़ द मैस्कॉट फॉर द हॉकी वेमेन्स एशियन चैंपियंस ट्रॉफी 2023, जूली, जूही, रेखा या फिर जीतू? आंसर बताइएगा इसका कमेंट बॉक्स में। और इसी के साथ वीडियो का होता है एंड। थैंक यू सो मच वॉचिंग। जय हिंद।